गोल गप्पों के पानी में पेशाब मिलाता शख्स मुस्लिम है, जाने वायरल सच। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक स्ट्रीट वेंडर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि स्ट्रीट फूड बेच रहा शख्स कथित तौर पर पानी में पेशाब मिला रहा है। इसके साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि वो मुस्लिम समुदाय से हैं। सोशल मीडिया पर इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। वायरल हो रही वीडियो के कैप्शन में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठेले वाला पीले रंग का एप्रन पहने हैं और एक जगह को एप्रन के नीचे छुपाए हैं। इसी दौरान एक शख्स वहां आकर कुर्सी पर बैठता है, फिर ठेले वाला एप्रन के नीचे से जग निकालता है और ठेले पर रखी सफेद बाल्टी में डालकर बचा यूरिन जमीन पर फेंक देता है। दावा किया गया कि शख्स ने पहले जग में पेशाब किया, फिर आधा बाल्टी में मिलाया और आधा जमीन पर फेंक दिया। ऐसा देखने के बाद तो कोई भी बाहर नहीं खाना चाहेगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। हमें पता चला कि ये वेंडर गुवाहाटी के 8 गांव इलाके में स्टॉल लगाता है। घटना के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने विक्रेता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अक्रूल साहिनी के तौर पर हुई है। साहिनी को कथित तौर पर बर्तन साफ करने के पानी में पेशाब मिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ऐसे लोगों के बारे में और लोग भी जान पाएं।